राष्ट्र की सुरक्षा में जीवन बलिदान करने वाले शहीदों की पावन स्मृति को सहज कर रखने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की पहल पर मध्य प्रदेश शासन द्वारा भोपाल के प्रसिद्ध चिनार उद्यान के समीप लगभग 13 एकड़ भूमि पर शौर्य स्मारक का निर्माण किया गया है। इसके सुंदर विन्यास से अरेरा हिल्स की पहाड़ियों और शहर का प्राकृतिक सौंदर्य और भी निखर गया है। शौर्य स्मारक के आधार तल में संग्रहालय विकसित किया गया है। ये संग्रहालय हमारी भारतीय सेनाओं, थल सेना, नौसेना तथा वायुसेना के शहीदों की देशभक्ति और शौर्य को विषयगत तस्वीरों के रूप में दर्शाता है। भारतीय सेना के तीनों सशस्त्र बलों के हवाई जहाजों, टैंकों व पानी के जहाजों के लघु प्रतिरूप यहाँ हैं। ये संग्रहालय भारतीय सेना के शौर्य का रंगीन व कल्पनाशील प्रदर्शन केंद्र है, जिसमें शहीदों को विनम्र तथा गरिमामय रूप से श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। यहाँ कारगिल विजय की वीर गाथाओं को करीने से पिरोया गया है और विषम परिस्थितियों जैसे खून जमा देने वाली सर्दी में सियाचिन में तैनात सैनिकों के शौर्य से भी परिचित कराया गया है। इस संग्रहालय में देश के परमवीर चक्र और महावीर चक्र से विभूषित सेना शहीदों की पेंटिंग्स और पुरस्कृत वीरों के चित्र उनकी जांबाजी की कहानी कहते हैं। साथ ही भारत में भीम बैठिका, रामायण, महाभारत, चंद्रगुप्त आदि की सैन्य विजयों के रूप में शौर्य की परंपरा की पेंटिंग्स भी प्रदर्शित की गई है। शौर्य पर केंद्रित देशभक्ति की कविताओं ने भी इस स्मारक की दीवारों का गौरव बढ़ाया है। पृथ्वी पर जीवन को एक वर्गाकार के रूप में इंगित किया गया है। जीवन के उतार चढ़ाव की तुलना सीढ़ियों से की गई है तथा पृथ्वी की गंभीर एवं शांत रचना को मिट्टी से बनी ईंट, घास एवं जल के रूप में परिभाषित किया गया है। युद्ध के रंगमंच पर धरती को गोलाकार आंगन के रूप में दर्शाया गया है। युद्ध की निष्ठुरता से हुए विनाश से आहत मानवता को असमतल पत्थरों से वर्णित किया गया है। कोलाहल एवं लाल रोशनी द्वारा युद्ध से उत्पन्न अवसाद की अनुभूति होती है। इस क्षेत्र में प्रवेश करते ही मृत्यु से उत्पन्न अंधकार का अनुभव प्राप्त होता है। मृत्यु की भयावहता एवं खोई हुई आशाओं के बीच दीपक की लौ से मृत्यु पर विजय की आशा का आभास भी होता है। शरीर नश्वर है, अपितु आत्मा अजर अमर है। जीवन के इस अलौकिक और शाश्वत सत्य को जल की पवित्रता और प्रकाश पुंजों से जगमगाती छड़ों के द्वारा दर्शाया गया है। एक सैनिक द्वारा स्वेच्छा से स्वीकार किया गया जीवन 62 फीट ऊंचे शौर्य स्तंभ द्वारा दर्शाया गया है। ये शौर्य स्तंभ अंदरूनी शक्ति एवं साहस की बुनियाद पर निर्मित है। थल सेना को काले ग्रेनाइट, नौसेना को जल स्रोत एवं वायुसेना को श्वेत ग्रेनाइट के रूप में दर्शाया गया है। शौर्य स्तंभ के आसपास का वातावरण शूरवीरों के बलिदानों को दर्शाता है। एक अत्याधुनिक होलोग्राफिक लौ अनंत ज्योति को दर्शाती है, जो देश पर अपनी जान न्योछावर करने वाले शहीदों की स्मृति में प्रज्वलित की जाती है। शौर्य स्तंभ के समीप ही शहीदों के नामों को श्रद्धांजलि हेतु उत्कीर्ण कर लगाया गया है। उद्यान में ऊंचे वृक्षों के बीच स्थापित लाल स्कल्पचर एक ओर से वंदन तथा दूसरी ओर से रक्त की बूंद के रूप में दिखाई देता है। स्मारक परिसर में शहीदों से संबंधित समारोह आयोजित करने हेतु आवश्यक स्थान, संसाधन केंद्र, खुला रंगमंच तथा कैफेटेरिया जैसी मूलभूत सुविधाएं भी उपलब्ध हैं।